असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे वाइवा क्वेश्चन ऑफ क्लाविकल बोन क्लेविकल बोन के जो वाइवा क्वेश्चन है उसको देखेंगे सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इनामुरेट दी पैकुलैरिटीज़ ऑफ दी क्लाविकल जो क्लाविकल बोन है उसकी हमने क्या करनी है जो पैकुलैरिटीज़ हैं उनको इनामुरेट करना है मीन पैकुलैरिटीज़ कुछ स्पेसिफिकेशन हैं जो अदर बोन्स में नहीं है सो so, क्लाविकल में वो स्पेसिफिकेशनस होंगी हम उनको देखेंगे सबसे पहले क्या है कि इट इज ओनली लॉन्ग बोन डेट लाइज होरिजोनटली यानी क्लाविकल एक लॉन्ग बोन है और ये होरिजोनटली प्रेजेंट होती है अदर लॉन्ग बोन भी हैं जैसे कि फीमर टीबिया फिब्यूला रेडियस अलना ह्यूमरस ये सब बोन्स जो हैं वो वर्टिकली uh, प्रेजेंट है ठीक है uh, बची ये लॉन्ग बोन जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है सेकंड पॉइंट क्या है इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट यानी इसको हम लोग हैंड से पल्पेट कर सकते हैं ये सबक्यूटेनियस होती है थर्ड पॉइंट है एंड इट इज द फर्स्ट बोन स्टार्ट टू ओसीफाई मीन क्लाविकल ही ओनली बोन है जो फर्स्ट सबसे पहले जो है वो ओसीफाई होती है नेक्स्ट है इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ओसीफाइज इन दी मैमब्रेन यानी मैमब्रेन में ओसीफाई होने वाली सिर्फ एक ही लॉन्ग बोन है और वो है हमारे पास क्लाविकल बोन नेक्स्ट है इट इज द लॉन्ग बोन विच हैज टू प्राइमरी सेंटर्स फोर ओसीफिकेशन इन ओसीफाई होने के लिए इसके टू प्राइमरी सेंटर्स होते हैं नेक्स्ट है देयर इज नो मेडुलरी कैविटी क्लाविकल बोन में कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती मीन इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगी या कोई स्पोंजी बोन वगैरह नहीं होगी एंड इट इज अ कोई एकजनली नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एकजनली अपीयर्स बाय मिडल सुपरा क्लाविकुलर नर्व ये थी हमारे पास स्पेकुलरिटीज क्लाविकल बोन की बट नेक्स्ट पॉइंट है वट वट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज टर्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट जो स्टर्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट है वो हमारे पास किस टाइप का ज्वाइंट है इट इज़ सैडल शेप्ड साइनोवियल ज्वाइंट ठीक है ये साइनोवियल ज्वाइंट है और इट इज़ दी ओनली जॉइंट इज द प्राइमरी कनेक्शन बिटवीन द एक्जल स्केलेटन एंड अपर लिम मेन अपर लिम को जो एक्जियल uh, स्केलेटन uh, के साथ कनेक्ट करता है वो है हमारे पास टर्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट ठीक है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है वट फेशिया इज अटैच टू दी मार्जिन ऑफ दी सबक्लेवियन ग्रूव मीन कौन सा फेशिया है जो सबक्लेवियन ग्रोव पे अटैच होता है उसकी मार्जिन पे सबक्वियन ग्रूप पे ग्रूव जो है उसके ऊपर मसल अटैच होता है सबक्लेवियस मसल बट जो उसकी मार्जिनस होंगी इस तरह से ग्रूव की वहाँ पर फेशिया अटैच होगा और वो फेशिया होगा हमारे पास क्लेविपेक्टोरल फेशिया ठीक है थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है वट इज़ दी कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द क्लैविकल एंड वाई यानी जो क्लैविकल बोन है उसी कॉमन साइड कौन सी है फ्रैक्चर की सो so, जो क्लैविकल बोन है उसकी फ्रैक्चर की साइट है हमारे पास ये हमारे पास क्लैविकल बोन ठीक है इसके टू करवेचर्स होते हैं बिटवीन टू करवेचर्स जो जहाँ पे जंक्शन बनता है दोनों कर्वेचर्स का लेटल वन थर्ड का एंड मीडियल टू थर्ड का उस पॉइंट पे जो है वो चांस होता है उसके फ्रैक्चर का क्योंकि वो वीकेस्ट पॉइंट होता है सपोज दिस इज़ लेटरल वन थर्ड एंड दिस इज मीडियल टू थर्ड ठीक है सो ये दोनों जो है कर्वेचर्स इनका जंक्शन है सो ये वीकेस्ट पॉइंट है यहाँ पर चांस होता है क्लैविकल बोन के फ्रैक्चर का एंड उसके बाद वो पूछ रहे हैं वाई क्यों होता है बाई अ फॉल होन दी आउट स्ट्रेच हैंड मीन आउटस्ट्रेस्ड हैंड के साथ अगर हम फॉल करेंगे तो क्लैविकल बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा बिटवीन एट दी जंक्शन ऑफ टू करवेचर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज दी क्लीडोक्रेनियल डायासोस्टोसिस डायासोस्टोसिस क्लीडोक्रेनियल ये क्या है ये एक डिजीज है इट इज़ अ डिजीज इन विच क्लैविकल बोन इज एबसेंट मे एब्सेंट और इम परफेक्टली डिलप मीन कंजेनेटली एबसेंट भी हो सकती है बाय बर्थ क्लैविकल्स नहीं होंगी बच्चे में तो अगर ऐसा नहीं है तो अदर कंडीशन क्या है इम्परफेक्टली डिवेलप होगी यानी डिवेलप होगी बट इम्परफेक्टली इस कंडीशन में क्या होता है कि जो दोनों शोल्डर हैं वो फ्रंट पे आ जाते हैं मीन कोई सपोर्ट नहीं होती इस रीजन में uh, जो बेसिक है क्लैविकल बोन ही तो है जो जंक्शन प्रोवाइड कर रही कनेक्शन दे रही है अपर का एक्जेल स्केलेटन के साथ तो अगर यही नहीं होगी तो क्या होगा कि शोल्डर जो है वो फ्रंट पे आ जाएंगे इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीडोक्रेनियन डायसोस्टोसिस ये थे हमारे वाइवा क्वेश्चन ऑफ क्लाइविकल बोन इफ यू अंडरस्टैंड दी वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग